सुल्तानपुर अमेठी जिले में एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है। इसी कड़ी में जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 50 लाख रुपए में वोटरों की खरीद फरोख्त की जा रही है। इसी को लेकर बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने सपा प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति के पति अनिल प्रजापति और कार्यकर्ता राहेत यादव इजहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। काम कर जाए तो उसमें कोई बात नहीं करना चाहिए, धनबल के बारे में कोई बात नहीं करना चाहिए। दरअसल सुल्तानपुर अमेठी विधान परिषद सीट से शिल्पा प्रजापति के नामांकन करते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई। राजनीतिक चाणक्यों का मानना है कि एमएलसी चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख इन सभी चुनाव में वोटरों की सौदेबाजी जमकर होती है और इसमें प्रत्याशियों द्वारा धन बल का खूब इस्तेमाल किया जाता है। इस समय एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सपा हो या भाजपा, सभी पार्टियां वोटरों को अपने पाले में करने के लिए शाम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही हैं। इसी क्रम में सपा प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति के समर्थन में वोटरों के खरीद फरोख्त का ऑडियो वायरल होने के बाद से भाजपा खेमे में हलचल मच गई। हेलो, हाँ बताओ, बलाई का कहीं कुछ बातचीत हो जाए? अरे बलाओ, बीडीसी करते रही है, प्रधान करते रही है। हाँ तो बीडीसी प्रधान कितने हो जाए तो है मतहत में पता की है सब। अरे 10-20 हो जाए है। हाँ काहे ना हो जाए, तो 10-20 का प्रधान और बीडीसी के लगभग कितना पैसा लाग जाए? अरे अब जोने हिसाब चलत हुए रेट बात करो। अरे पैसा तो आधा तुम खर्चा करिए, कितना लाग जाए? टिकटवा का क्या मिला? टिकटवा मिले हुआ का समझ लियो कि जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति लड़का का। अच्छा, गायत्री प्रसाद प्रजापति के लड़का का? हाँ तो जितावा जो हुआ का। अरे तो वही बताओ, करे हमें लेके कलिया आए रहे, होली वोली मिल गया है? हाँ तो कहें कि विधानसभा अध्यक्ष का भैया है नहीं ना, बम्बई में है, आज आज बात करी बताई तुम्हें। नहीं हम तो आ गए, तो मान के चलो 20 प्रधान 20 बीडीसी हो जी है। हाँ वही कह रही है, तो खर्चा करी है तो वही तो पूछ रहे हम, कहा भाई कंफर्म करके बताएंगे लगभग कितना लग जाए होना चाहिए। चलो बैठ के बात होए, कहाँ हो आए? बैठ के बात होए, और तो कब आइयो, आइयो कहाँ भाई? मोहना वो गाड़ी खराब है, आई तो गाड़ी नहीं लेको, तो मोटरसाइकिल नहीं ना? मोटरसाइकिल नहीं, तो चलो ठीक है, जब अब आराम से सो, बात मान के चलो 20 प्रधान 20 बीडी 40 हो या कम से कम 50 लाख तो लागिन लाए। हाँ हाँ तमाम है, तो बीडी सी तो हेरा जाए, तमाम के पास नंबर वंबर सब है। हाँ तो वही का 50 लाख से कम नहीं हुए की बात। अच्छा रुपया हुए तो वही हिसाब से इकट्ठा की जाए, उनका अलग से जाए। वो कही का 50 लाख खर्चा कर गए। चलो ठीक, हाँ तो तय कर लियो, यही चार पैसा मिले के वो दावा है, कम से कम कर ली जाए। तो भाई 16 महीना बाद इलेक्शन आवत है और सबके वहाँ के भैया बुलाए हैं, सबके समीक्षा करी। ठीक ठीक आए, ठीक चलो हम हो, जब जाए तहा घर का गई तुम सो, तो हम हो जाए घर में सो हुए। गाड़ी खराब का करी है, बैठे हैं दोनों जुगाड़े, नहीं कोई फायदा नहीं, कहीं का करी हो घामे में है। चलो ठीक, हलवा हलवा खावा आराम से, मौज मस्ती न कहो फालतू, नहीं तो सोनू गए वाले मेरा रुख भर्ती कर आया है उमा दस वर्मा। अरे कहा दिए चल माँ कहे खाते? अरे उखमा चेन हो के खूने कमी होएगा, पानी कमी होएगा, तो हूँ ना वही हाल बता दे हो, तुम एक महीना होएगा लोटे में मारो बर्बाद के दस सारा पैसा लग जाए सब। ऑडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और तहरीर मिलते ही सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली जगदीशपुर जिला अमेठी में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एमएलसी चुनाव के संबंध में एक ऑडियो आरंभ हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी के दो कार्यकर्ताओं द्वारा आपस में वार्ता की गई है, उसमें 50 लाख रुपये की लेन देन की बात की जा रही है प्रधानों को और बीडीसी को। इस संबंध में तहरीर मिला थाने को, जो शैलेंद्र कुमार सिंह प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके द्वारा दी गई है। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, अनिल प्रजापति, रामहित यादव और इसके अतिरिक्त इजहार अहमद, आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। शिल्पा के नामांकन करने के तुरंत बाद ही गायत्री प्रजापति की बेटी सुधा प्रजापति ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अपनी रणनीति बताने को लेकर बात टाल दी थी। क्या रणनीति है चुनाव के लिए आपकी?
क्या रहे? रणनीति बाद में हम लोग बता देंगे। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।